प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए चार मुख्य क्षेत्रों बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का किया उद्घाटन। और प्रदेश के कई हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जशपुर जिले के बागीचा और पंडरा पाठ में पारा शून्य के करीब पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए चार मुख्य क्षेत्रों बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय भारत के प्रति विश्वास की भावना लिए हुए है और भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता ला सकता है। श्री मोदी ने कहा कि इसका पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि राज्य अग्रणी भूमिका निभाएं, गुणवत्ता पर ध्यान दें और राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्णय लें। प्रधानमंत्री ने ये बात कल दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन कही। सम्मेलन में राज्यों के साथ भागीदारी से त्वरित और सतर्क आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया गया। श्री मोदी ने ये भी कहा कि राज्यों को विकासोन्मुखी शासन, कारोबारी सुगमता, बेहतर जीवन यापन और सशक्त बुनियादी ढांचे पर बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों से अनावश्यक अनुपालनों और अव्यावहारिक नियमों तथा कानूनों को खत्म करने पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत में अभूतपूर्व पैमाने पर सुधार किए जा रहे हैं, इसलिए बहुत अधिक नियमन और अनावश्यक प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारत में निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि अंतरिक्ष और ड्रोन के नए क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध हैं। In other words, one in every six person in the world is an Indian. Our youth is 60% of the population. In fact, you would be surprised to note that the median age of Indian diaspora in many countries around the world is less than that of other foreign-born and immigration populations there, making Indian diaspora youth a sizable force in several countries to reckon with. The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. गौरतलब है कि तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस समारोह में प्रदेश की लोक संस्कृति सहित स्थानीय खेलों को जानने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से प्रतिभागियों को एक ओर जहां मंच मिलेगा, वहीं उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और खेल भावना का विकास होगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तरीय इस आयोजन में अब तक 26 लाख से अधिक लोग भाग ले चुके हैं। अर्थ यह है कि लगभग 10% लोगों ने खेल में भाग लिया और उससे कई गुना ज्यादा खेल प्रेमी लोग मैदान में देखने आए। ये बहुत बड़ी बात है और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सब लोगों ने हाथों हाथ लिया है। इस राज्य स्तरीय आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 1900 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ये स्पर्धाएं 10 जनवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में फुगड़ी, बिल्लस, भवरा, बाटी, कबड्डी, सकली, रस्साकशी, लंगड़ी, पिट्ठुल, गेड़ी दौड़, खो खो और गिल्ली डंडा जैसी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 220 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड की 58,938 डोज दी गई। फिलहाल देश में 2,423 लोगों का कोविड उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 163 मामले सामने आए हैं। देश में इस समय कोविड से ठीक होने की दर 98.8% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 247 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं, जिससे कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,00,000 से अधिक हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 1,377 सैंपल्स की जांच में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। वर्तमान में राज्य में केवल 2 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में कुल 11,77,760 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,63,612 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक दिन पूर्व कोरबा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जनसभा के बाद आज भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन दुर्ग पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सह प्रभारी नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर सह प्रभारी ने दुर्ग नगर निगम के निर्वाचित भाजपा पार्षदों की बैठक ली, साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। बैठक के बाद प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैठक ली है। अपने संगठन की स्थिति का जायजा लेना, जो पार्टी के कार्यक्रम है उसको नीचे तक उतारना और किस प्रकार से हमारे जो कार्यकर्ता का मन में क्या है, कहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, कैसे और पार्टी को हम मजबूत कर सकते हैं, ये सारे विषयों की जो सकारात्मक चर्चा है वो बैठक है और उन्हीं विषयों पर हम लोग अपने सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। श्री नवीन ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में विफल रही है। इतने गरीब लोगों के आवास को उन्होंने इनकार कर दिया और उसके कारण केंद्र का इतना बड़ा पैसा जो गरीबों के आवास बनने के लिए आता उसको लौटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि मनसा केवल अपनी चेहरे को दिखाने। बैठक में प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सिंह सवन्नी, जिला प्रभारी राजीव अग्रवाल, दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी उपस्थित थे। मुंगेली जिले के अचानकमार वन्य जीव अभयारण्य से लगे गांव में जंगली हाथियों के उत्पात से स्थानीय निवासी रतजगा कर रहे हैं। बिसौनी गांव में बीते दिनों हाथियों के हमले में घायल गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं हाथियों के हमले से बचने की भागदौड़ में कई और ग्रामीण भी घायल हुए थे, जिनका उपचार जिले के लोरमी में चल रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के आतंक से ग्रामीण रात में जागने के लिए मजबूर हैं। हाथियों के दल ने कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे इस ठंड में मजबूरी वश बाहर सोना पड़ रहा है। साहब तो हाथी कर पैर का नीचे हो के भगे हैं, बड़ा मुश्किल से जान बचाए हैं। पूरा घर लटोर के पूरा साफ कर दे इसे। इस बीच भाजपा कार्यकर्ता शीलू साहू ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें राशन सामग्री और आवश्यक सामान प्रदान किए। शीलू साहू ने मीडिया से बातचीत में वन विभाग के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वन विभाग ग्रामीणों को हाथियों के हमले से बचाने में नाकाम साबित हो रहा है।
गंभीर है, लोग अभी भी दहशत में यहाँ पर जी रहे हैं कि कब हाथी आ जाए, और ये कुल मिला के लोगों के घरों का भी नष्ट किया गया है हाथियों के द्वारा, और ये कुल मिला के वन विभाग की लापरवाही ही नज़र आ रही है। हम लोग जब देख रहे हैं कि वायरलेस सुविधा और हाथियों का लोकेशन ट्रेस किया जाता है, तो जब वन विभाग को पता चल गया कि हाथियों का लोकेशन क्या है, तो वो लोग पहले से आकर यहाँ पर इनकी सुरक्षा कर सकते थे, पहले ही इन अलर्ट जारी किया जा सकता था और हाथियों का लोकेशन जानकर इनकी सुरक्षा की जा सकती थी। इधर महासमुंद वन परिक्षेत्र में बीती रात एक दंतैल हाथी की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। मृतक हाथी को ME5 के नाम से जाना जाता था। मृतक नर हाथी की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। इस संबंध में DFO पंकज राजपूत ने बताया कि हाथी का पोस्टमार्टम कर उसे दफना दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोषियों के ऊपर जल्द कार्रवाई की जाएगी। एक GI वायर खींचा गया था जो कई बार छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए लगाया जाता है, और संभवतः उसी में टच करके ME5 जो कि 25 साल का नर दंतैल है उसकी डेथ हुई है। गौरतलब है कि जिले में करंट से हाथी की ये दूसरी मौत है। वर्ष 2019 में खिरसाली में भी एक हाथी की मौत करंट लगने से हुई थी। आसमान साफ होने के साथ ही प्रदेश में कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर की ओर से आ रही हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में हैं। जशपुर जिले के बागीचा और पंडरापाट में तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। तो आपको अपने हाथ पैर सुन्न होने का एहसास हो गया, इतना ज़्यादा ठंड बढ़ा हुआ है इसमें, और हवा भी काफ़ी सर्द चल रहा है, इसकी वजह से ठंड बढ़ा हुआ है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हम लोग को दिन भर यहाँ पे दुकान पे मंकी टोपी लगा के बैठना पड़ रहा है, जैकेट एकदम दिन भर, मतलब सुबह दुकान खोल रहे हैं और जैकेट खुल ही नहीं रहा है। दो तीन तरह का जैकेट पहने हुए रह रहे हैं, अंदर भी बाहर भी पूरा मतलब। और अलाव यहाँ का नगर पालिका का बहुत अच्छा व्यवस्था है, अलाव जल ही रहा है दिन भर 24 घंटा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम, पेंड्रा रोड और दुर्ग सहित इससे लगे जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज Facebook और Twitter पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए चार मुख्य क्षेत्रों बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशन पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का किया उद्घाटन। और प्रदेश में कई हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जशपुर जिले के बागीचा और पंडरापाट में पारा शून्य के करीब पहुंचा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।